और वो दर्द इतना गंभीर है, मैं बैठ के ये सोच रहा था कि इसके पीछे कितनी विचार आए होंगे कि उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है, इस पुस्तक की रचना की है। उसमें मुझे कुंवर बेचैन साहब की वो लाइनें याद आ रही है कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। ये आदरणीय निर्मला शर्मा जी की ये पुस्तक कब तक चुप रहेगी, वो कांटा निकालने का काम करेगी महिलाओं के अंदर, इस प्रकृति के अंदर जो दर्द है उसका कांटा निकालने का काम करेगी। और अंत में मैं चार लाइनों से एक संदेश भी दूंगा और आदरणीय मैडम को भी समर्पित करूंगा कि जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाइए अपना किरदार, जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाइए अपना किरदार कि हर कोई करने लगे आपसे प्यार, एक झलक पाने को लोग आपकी एक झलक पाने को लोग तरसते रहे, और पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बरसते रहे, तालियां बरसते रहे। आदरणीय मैडम ने वो काम किया है कि जो जीवन भर जीवन पर्यंत ये लोगों में ऊर्जा भरेगा, और ये जो दर्द के ऊपर ये कब तक चुप रहूंगी पुस्तक है, ये उस दर्द को बयां करते हुए उसको किस तरीके से आगे अपने आप को संयम रखते हुए और आगे जिंदगी को कैसे संवारेगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय ने बोलने का मौका दिया, यहाँ मैडम ने बुलाया, जो मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः आज के इस कार्यक्रम के आकर्षण के केंद्र रही आदरणीय डॉक्टर निर्मला शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।